ग्वालियर में आरोन के जंगल में बांस का प्लांटेशन देखने जा रहे वन रक्षक दीपू राणा की मोंगिया शिकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी। वन रक्षक के साथ विभाग के दो चौकीदार भी थे। चौकीदारों का कहना है कि जंगल में बंदूक के साथ शिकारी नजर आने पर दीपू ने उसके पीछे दौड़ लगा दी। ये देखकर शिकारी ने वन रक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी और जंगल में भाग गए। गोसपुरा स्थित यादव धर्मकांटे के पास रहने वाला दीपू पुत्र सूरज सिंह राणा वन रक्षक था। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग आरोन की सिद्धि बाबा की खो वन विभाग की चौकी पर थी। वन आरक्षक दीपू चौकीदार हरिदास व राजू आदिवासी के साथ अपने बीट में हुए बांस के प्लांटेशन को देखने पैदल निकला था, क्योंकि पेट्रोलिंग वाहन खराब पड़ा था। प्लांटेशन की ओर जाते समय वन रक्षक की नजर मोगिया शिकारी पर पड़ी, जिसके हाथ में बंदूक थी। उसकी गतिविधियों से साफ था कि वह शिकार की तलाश में घूम रहा था। शिकारी की नजर वन विभाग की टीम पर पड़ गई। जब वन रक्षक दीपू ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी, पकड़ में आने से बचने के लिए शिकारी ने ओट लेकर बंदूक से फायर कर दिया। गोली सीने के नीचे लगते हुए दीपू जमीन पर गिर पड़ा। ये हमारा वन रक्षक, इनका नाम है दीपू राणा, और बहुत ही होनहार, बहुत ही मेहनती वन रक्षक थे और यंग थे। जंगल में हमेशा हम लोग के साथ जाते थे। अचानक आज सूचना मिली इनको, ये करही बन चौकी मोहना रेंज में पदस्थ थे। सूचना मिली कि कोई लकड़ी काटने वाले जंगल में गए हैं, तो ये दो चौकीदारों को लेके साथ में मोटरसाइकिल से गए थे वहाँ। तो लकड़ी काटने वाला तो भाग गया, उसको घेराबंदी करने लगे, नहीं मिला। फिर वापस आ रहे थे अपने क्वार्टर के लिए, अपने चौकी के लिए। तो एक कोई, जिसका नाम अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, अज्ञात व्यक्ति ने बंदूक सीधे गोली खड़े होकर झाड़ियों में से गोली मार दिया इनको। सामने आगे यही थे और गोली इनके सीने में लगी। वहाँ से चौकीदार लोग इनको खबर किए, हमारे चौकी के लोग गए उठा के ले आए और हॉस्पिटल हम लोग गाड़ियों से लाए, तो डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया। और हमें बड़ा दुख है कि हमारे बीच हमारा वन रक्षक जो इतना मेहनती और लगनशील था, वो आज रहा नहीं। इसका पूरे वन विभाग को दुख है। हमारे मुख्य वन संरक्षक महोदय और प्रमंडलाधिकारी महोदय भी यहाँ आए थे, पूरा स्टाफ आया सब लोग। और जो भी होगा इसके, हम आगे इनके परिवार के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दें। हम सब गश्ती में गए, सभी रंग गश्ती में जंगल में, हम गश्ती से लौट रहे थे। मोगिया छिपको बैठा झाड़ी में, उसने सामने से गोली दे दी। अब जिखा को तो कौन की शिकार, मतलब छिपा था बैठे हुए। कितने लोग थे ये कही सर? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।